क्योंकि हम सभी लोगों को मिलकर इसका पालन करना चाहिए और कानून का एहतराम, क्योंकि कानून का एहतराम करने वाले लोग जो हैं वही अच्छे होते हैं। लिहाजा हमको इस लॉकडाउन का एहतराम करके और बीमारी का जो है पालन करना चाहिए और बिल्कुल सही ढंग से बाज़ारों में जो लोग घूमते हैं इनको इससे गुरेज करना चाहिए और ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो होटल हो, दुकान हो, कहीं भी हो, इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि बीमारी है। जितना हम इसका परहेज़ करेंगे उतनी बीमारी कम हो सकती है। जितनी भीड़ होगी, क्योंकि ये एक छूत की जैसी बीमारी है, ये फैलती जाएगी और लोग जो है मरते जाएंगे, इससे बेहतर है। हाँ, बाकी मैं गवर्नमेंट से दूसरा भी एक मुतालबा करूँगा, लॉकडाउन है, गुजारिश करूँगा कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी पेशा के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनके लिए कोई स्टाइफन दे दे। जो मजदूरी पेशा के लोग हैं, रेडी चलाने वाले हैं, होटल चलाने है, क्योंकि एक बेचारा मजदूरी करने वाला है, दिन को मजदूरी करके शाम को बच्चों के लिए राशन भी ख़रीदना है, दवाई भी लेनी है, और वही आदमी जो है दिन को लॉकडाउन का पालन करते हुए शाम को खाली हाथ खड़े करके जब घर जाता है, उसके बच्चे उसके हाथों की तरफ देखते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इंसाफ पसंद हैं, ये ज़रूर मैं कहूँगा, उन्होंने हर तरह की मराद जो दी लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ एक तो मजदूरी का रेट जो है वो बढ़ना चाहिए, दूसरे मजदूरों के लिए कोई न कोई मराद मिलनी चाहिए जो लोग मजदूरी पे गुजारा करते हैं इस लॉकडाउन में, जो परेशान हैं। लिहाजा ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए।